हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। यह ऐप आपके CGPSC एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज विथ हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके सभी टेस्ट सीरीज के आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। पिछले बार हुए CGPSC के एग्जाम में इससे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे गए थे और जो CMO का एग्जाम हुआ था उनमें भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जाइए, इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी गई है। इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह संगीत नृत्य पर आधारित 5 ग्रंथों का प्रणयन किया है, निम्न में कौन सी रचना उनकी नहीं है? क्या बोला गया है? राजा चक्रधर सिंह संगीत नृत्य पर आधारित 5 ग्रंथों का क्या किया था? प्रणयन किया था। इनमें से कौन सी उसके एक ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, पद्म पुष्पांजलि, जो कि राजा चक्रधर सिंह के पर आधारित ग्रंथ नहीं है। ओके, जो राजा चक्रधर सिंह के 5 ग्रंथ हैं उनको आप याद रखेंगे, कौन कौन? नर्तन सर्वस्व, जिसे तालतो निधि भी कहते हैं, तालबल पुष्पाकर, मुरंज परन पुष्पाकर, और एक कौन सा था? और एक है आपके राजरत्न पुष्पाकर। ओके, इन सभी को याद रखेंगे, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनका नर्तन सर्वस्व नामक ग्रंथ कथक पर आधारित है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक नृत्य के पर्याय पंडित कार्तिक राम का जन्म खालिस्तान जिले के एक छोटे से गांव भंवरमाल में सन 1910 में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, बिलासपुर जिले में। कई बुक में इसे जांजगीर भी दिया है, तो आप देख लेंगे इसे। ओके, क्या है? पंडित कार्तिक राम का जन्म बिलासपुर जिले के भंवरताल नामक गाँव में 15 अक्टूबर 1910 में हुआ था। ओके, यह अपने समय के असाधारण नृत्यक थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार रेवा राम का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेवा राम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, पंडवानी से। ओके, पंडवानी से संबंधित प्रमुख नाम है, इन्हें आप याद रखेंगे, कौन कौन से है? झाडू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद, इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, कौन कौन से? लोकगीत एवं लोक नृत्य दोनों का सामंजस्य किसमें है? इसका आंसर है ऑप्शन ब, पंडवानी में। ओके, पंडवानी की कापलिक शैली और वेदमती शैली, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कला मंच नवा बिहान संस्था के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, कौन से? नवा बिहान के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन अ, केदार यादव। नाम याद रखेंगे, केदार यादव नवा अभियान के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से कलाकार देश के प्रसिद्ध ख्यातिलब्ध मृदंग वादक थे? कौन से कलाकार देश के ख्यातिलब्ध मृदंग वादक थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ब, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर कू सरयू कालेकर किस क्षेत्र से संबंधित है? सरयू कालेकर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जिसका आंसर है ऑप्शन ब, संगीत से संबंधित है। ओके, सरयू कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नथु दादा राम टेके राजनांदगांव के रहवासी हैं, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? नाम याद रखेंगे, कौन? नथु दादा राम टेके, कौन से क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है? इनका आंसर है ऑप्शन अ, हास्य बौना कलाकार। ओके, हास्य बौना कलाकार में इसे बहुत ख्याति प्राप्त है। नाम याद रखेंगे, नथु दादा राम टेके, जो कि राजनंद गांव के रहवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, कौन से कला पथक कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पद्म लोचन जायसवाल। नाम याद रखेंगे, पद्म लोचन जायसवाल कला पथक कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा नृत्य? एबाल तोर कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ब, नारायणपुर। देखिए, नारायणपुर की जो जनजातियाँ, जैसे कि नाम याद रखेंगे, मुड़िया जनजाति, ओके, अधिकतर नारायणपुर में भी निवास करने वाली जनजाति, इसमें एबालतुरो नृत्य क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी कलाकार लाल फूलचंद कहाँ के निवासी थे?
कौन नाम में देखेंगे, लाल फूलचंद कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन अ रायगढ़ के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति, कंवर जनजाति कौन से नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है बोला गया है, इसका आंसर है ऑप्शन सा सोहर नृत्य। ओके देखेंगे, यह एक सदरी बोली भी बोलते हैं, जो कंवर जनजाति होते हैं इसे सदरी बोली भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है, कौन सा नृत्य, ककसार, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मुड़िया जनजाति। देखिए मुड़िया जनजाति में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है इनसे आपको याद रखना है, जिसमें हो गए गेड़ी, मांदरी, हुल्की पाटा, एबाल तोर, ये सभी ककसार सॉरी ये सभी मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा नृत्य, बिल्मा नृत्य, तो देखिए बिल्मा नृत्य आपके बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ओके और इसमें कर्मा नृत्य भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम कुमार निनोरिया किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, नाम देखेंगे श्याम कुमार निनोरिया कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन अ चित्रकला, चित्रकला में इसे बहुत ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं, क्या बनाने में, धातु मूर्तियां बनाने में, किस क्षेत्र का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बस्तर क्षेत्र के, बस्तर के आसपास के क्षेत्र के जो जनजातियां हैं वो क्या धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं, जैसे कि घड़वा शिल्प और प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस सन में हुआ था, कौन किसका, दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस सन में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 1998 में। ओके देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म बघेला ग्राम में दुर्ग जिले में हुआ था, यह छत्तीसगढ़ लोक कला के उदारवादक माने जाते हैं। ओके इन्होंने 1951 में देहाती कला मंच एवं 1971 में चंदैनी गोंदा पार्टी का गठन किया था, नाम याद रखेंगे दाऊ रामचंद्र देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जो लोरिक चंदा है किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था बोला गया है, जिसका आंसर है ऑप्शन अ दाऊ महासीन चंद्राकर। ओके नाम याद रखेंगे दाऊ महासीन चंद्राकर, इनके ही निर्देशन में लोरिक चंदा प्रारंभ हुआ था। ओके इन्हें छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी भी कहते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित कार्तिक राम किस विधा के कलाकार हैं, जो पंडित कार्तिक राम है किस विधा के कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ कथक नृत्य। देखिए जो पंडित कार्तिक राम हैं ये गम्मत में निपुण थे। ओके फिर इन्होंने आगे राजाचंद्र चक्रधर के देखरेख में नृत्य की शिक्षा ली, यह कथक शैली की नृत्य शैली में आते हैं। ओके जो इनकी नृत्य है कथक शैली के नृत्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में कौन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब सूरजबाई खांडे। ओके सूरजबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है। ओके यह मूलतः राजा भरथरी के जीवन पर करुण रस पर आधारित एक लोक गाथा है। ओके भरथरी कलाकार है सूरजबाई खांडे, और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, सारंगी और इकतारा, यह भी याद रखेंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।